कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत में जमहूरी निज़ाम पर सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि 2014 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में हुकूमत बनने के बाद सब कुछ बदल गया है। उमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने दावा किया है कि हिंदुस्तान अब एक कमज़ोर जमहूरियत है। नॉर्वे की ओस्लो यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ हाल ही में बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि हिंदुस्तान के तमाम इदारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से मुतासिर हो चुके हैं। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी इन एजेंसियों को हथियार बना दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद इंडिया में मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होने देगा। राहुल गांधी ने हाल ही में यूरोप का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने ओस्लो यूनिवर्सिटी के तलबा से भी बातचीत की। उन्होंने कई दूसरे प्रोग्रामों में भी शिरकत की थी। ओस्लो यूनिवर्सिटी से इनका वीडियो जुमेरात को कांग्रेस ने जारी किया है। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि हिंदुस्तान के बारे में बात करते हुए पहली बात यह समझनी चाहिए कि 2014 तक भारत में जमहूरियत एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली सियासी जमातों के ग्रुप से ताल्लुक रखती थी। गैर जानिबदार इदारे थे, आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात, मीडिया तक हर एक के लिए रसाई और हर एक के लिए माली वसायल तक रसाई थी। उन्होंने दावा किया कि 2014 में सब कुछ बदल गया, हम अब किसी सियासी जमात से नहीं लड़ेंगे, सारा खेल बदल गया है। इदारे आरएसएस से मुतासिर हैं, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों को हथियार बना दिया गया है। वो इन लोगों को निशाना बनाते हैं जो बीजेपी के नज़रियात की मुखालिफत करते हैं, इसलिए अब हम किसी आम सियासी मुकाबले में शामिल नहीं हैं। राहुल गांधी ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान सबसे बड़ी जमहूरियत है और ये सच है, ताहम मेरे नज़दीक ये कमज़ोर जमहूरियत है। अब आपको अपनी आवाज़ का इजहार करने की इजाज़त नहीं है, आपको ये कहने की इजाज़त नहीं है कि आप कैसा महसूस करते हैं। अब भारत में बड़ी तादाद में लोगों को मौके नहीं दिए जाते। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपने मुल्क में ख़ास नज़रिए का दिफा करता हूं, जो महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध और गुरु नानक का नज़रिया है। मैं इसके लिए लड़ता हूं, मैं लीडर बनूं या ना बनूं, ये बात की बात है, लेकिन नज़रिए की जंग जारी रखूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, नई दिल्ली।